हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट अरुण। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विदाउट यू। आपके बिना आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन का फोकस कहाँ है इस वक्त, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं। आपके पर्सन की सबसे पहले देखेंगे करंटली एनर्जी क्या है, इस पर्सन आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का फोकस कहाँ है अपनी लाइफ पे, इस वक्त आपके पर्सन किस चीज़ के ऊपर सोच रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी राइट नाउ गोइंग ऑन इन दियर लाइफ, मेरे व्यूअर के लाइफ में क्या चल, मेरे व्यूअर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, मेरे व्यूअर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। ओके, फोर चक्र आर्कएंजल प्रोफाइल, काफ़ी स्पिरिचुअल हुए हुए हैं आपके पार्टनर, आपके पार्टनर की एक हीलिंग चल रही है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर इस वक्त किसी स्टॉर्म से, आप लोग का रिलेशनशिप कोई स्टॉर्म आया था आपके कनेक्शन में, एक साइलेंट वाली एनर्जी, अब एक जैसे तूफान के बाद बहुत सन्नाटा है, ठीक है। कोई स्ट्रॉम आ चुका है आप लोग के रिलेशनशिप में, कुछ हो चुका है, उसके बाद एक सन्नाटा है, ठीक है। बिल्कुल एक एनजाइटी है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन थी, कुछ चीज़ें थी जो क्लैरिटी पे नहीं थी, कोई स्ट्रॉम आया, कोई क्लैरिटी मिली, एक हीलिंग का टाइम है, जैसे द टेम्पल पाथ। काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके पर्सन, यहाँ पे स्पिरिचुअल चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें आपके पार्टनर के लिए, जैसे अपनी एक रिलीजियस अपनी चीज़ों को फॉलो करना, बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन इस वक्त ये कर रहे हैं। आपके पार्टनर लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हीलिंग चल रही है सबसे ज़्यादा, मैन होल्डिंग का पॉइंट। ये पर्सन अपने फाइनेंशियल लाइफ में खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फोकस है इस वक्त, स्टेबिलिटी पे काम कर रहा है, अपने फाइनेंसिस पे, अपने कैरियर पे, अपनी जॉब पे, अपने आप को हील कर रहा है ये पर्सन, और अपनी फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। किसी तरीके का कोई न्यू बिजनेस, कोई न्यू काम आपके पर्सन स्टार्ट कर रहे हो सकते हैं, कोई न्यू जॉब, कोई या तो सैलरी आपके पर्सन की यहाँ पर इंक्रीज हुई है, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ है आपके पार्टनर की फाइनेंस लाइफ को लेकर, ठीक है। हाँ, ठीक है। डिसीट, पर्सन यहाँ पर इस वक्त अपनी लाइफ में सिंगल बहुत ग्रो कर रहा है, एक लाइफ को अबंडेंट लाइफ बना रहा है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में बहुत अपनी अबंडेंस पे काम कर रहा है, अप्रिशिएट भी कर रहा है। पर्सन कहीं दूर बैठा है, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डिसीट की एनर्जी है, कुछ ना कुछ हुआ है इस नेगेटिविटी, इनडिसाइसिव। ये पर्सन अगर आपको पास्ट में इस पर्सन ने आपको डिसीट दी थी, कोई इनडिसाइसिव एनर्जी में था, तो राइट नाउ इस वक्त अप्रिशिएट कर रहा है बहुत आपको, आपके लिए इस पर्सन का परसेप्शन, सोचने का तरीका, आपको व्यू, आपको देखने का तरीका, आपको समझने का इस पर्सन का तरीका बदल रहा है, ठीक है। डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपको दूर से बहुत ज़्यादा जैसे इंस्पायर हो रहा है, आपकी एनर्जी से इंस्पायर हो रहा है। वुमेन होल्डिंग का कॉइन, आपको अपने राइट पार्टनर, राइट पर्सन की तरह देख रहा है, बहुत अप्रिशिएट वाली एनर्जी है, ठीक है। पास्ट में अगर ये पर्सन इनडिसाइसिव था या बहुत पता नहीं था, बहुत एक पेशेंस वाली एनर्जी, आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ कंप्लीट हुआ है, एक पेशेंस, एक बहुत जैसे एक डिस्टेंस आया हुआ है, डिवाइन जैसे आपको पेशेंस का कह रहे हैं, बहुत आप लोगों के बीच एक जैसे एक आइस ब्रेक होने वाली, एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, एक साइलेंट हुआ है, ठीक है। जैसे चीज़ें आप लोगों के बीच अभी, आपके पार्टनर ने किसी इस स्टॉर्म के बाद आपके लिए जैसे लव फील करा है, आपके पर्सन के दिल में जैसे दर्द, तकलीफ, एंजल ऑफ लव, आपके पर्सन ने किसी तरीके की हर्ट एनर्जी फील करी है इस सिचुएशन में, जो एक स्टॉर्म आया है ना यहाँ पे, जो कि स्टॉर्म आपके कनेक्शन को हिट करके गया है, तो आपके पर्सन ने बहुत कुछ रियलाइज करा है आपसे रिलेटेड अपनी अपने अपने दिल में, ठीक है। आपके पर्सन किसी तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई स्ट्रेटजी है, कोई स्ट्रेटजी यहाँ पर आपके पर्सन बनाना चाहते हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कोई हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, कुछ बैलेंस एनर्जी, इस पर्सन ने आपका दिल बहुत ज़्यादा तोड़ा है, आपने जो प्यार दिया वो रिटर्न में ये पर्सन आपको कर नहीं सका, वो प्यार, वो लव, ठीक है। आप इस पर्सन ने आपको बहुत वेट कराया, या आपके आपके प्यार के बदले में वो आपको प्यार दिया नहीं गया, ठीक है, एक वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। जर्नी, आप लोग के रिलेशनशिप में जैसे आप लोग किसी जर्नी में थे, आपको पेशेंस सीखना था, आपको सब्र सीखना था, इस पर्सन ने आपको इस प्यार के लिए बहुत सब्र करवाया है, बहुत पेशेंस, आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं इससे प्यार के लिए, इससे जैसे एक अपने गुड एक्ट के लिए, ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड करे, इससे इस चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर
एक मतलब कि एक फेज एंड हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको काफी एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में डाला, बहुत स्ट्रांग आए, बहुत अप एंड डाउन आप इस सिचुएशन में इस पर्सन से लव के लिए आपने बहुत अपनी जिंदगी में स्ट्रेस देखा, नेगेटिविटी देखी, लेकिन एक डोर टू स्प्रिट आपके लिए, एक डोर टू स्प्रिट जैसे डोर खुल चुके हैं स्प्रिट के, बहुत अटैचमेंट रही है आपके इस पर्सन से, आप अटैच रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट आपने फील करी है, स्ट्रेंथ, काफ़ी स्ट्रेंथ की नीड है, और ये पर्सन इस ये जो आप जो भी आपने सिचुएशन को फेस करा है उससे आपके अंदर एक पेशेंस डेवलप हुआ है, स्ट्रेंथ डेवलप हुई है, ठीक है। आपको जैसे आपके लिए स्प्रिट के डोर्स ओपन हुए, स्पिरिचुअल कनेक्शन में रहे आपने, या अटैचमेंट, जब अटैचमेंट से आप निकले हैं, इसको डिटैच किया है आपने, आपकी लाइफ में आपको स्ट्रेंथ मिली है, आपकी लाइफ में आपको अपनी ज़िंदगी में जो रास्ते बंद दिख रहे थे वो खुले हुए मिले हैं, मतलब कि टोटली ये कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे आपने बैगिंग की है इससे लव के लिए, केयर के लिए, इसको ये आपको समझ ले, ये आपको अंडरस्टैंड कर ले, आप इससे बहुत लव करते थे, ठीक है। यिंग और यांग बिल्कुल यहाँ पर कोई ना कोई जैसे एक ऐसा कनेक्शन है, बहुत डिफरेंट है आप लोग देखने में भी, एज में भी, कोई ना कोई डिफरेंट आप लोग चीज़ है, मतलब कि डिफरेंट आप लोग की लाइफ में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे बहुत डिफरेंट लोगों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, डिफरेंट एनर्जीज हैं, यिंग और यांग, हॉस्टिलिटी, हैप्पी फैमिली। आप इस पर्सन की लाइफ से, आप इस पर्सन से सिर्फ एक हैप्पी फैमिली चाहते थे, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, एंजल ऑफ बैलेंस, लेकिन इस लव ने, इस जो इस जर्नी ने आपको बैलेंस सिखाया, इस जर्नी ने आपको पेशेंस सिखाया, इस जर्नी ने आपको स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल चीज़ें या स्पिरिचुअल कनेक्शंस क्या होते हैं वो सब कुछ सिखाया। बहुत एक स्ट्रांग जर्नी रही है, बहुत स्ट्रांग जर्नी रही है, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। इस वक्त आप अपनी लाइफ में अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी फैमिली में खुश हैं, हीलिंग चल रही है, डिटैच हो चुके हैं, जो अननेसेसरी यहाँ पर अटैचमेंट रही है, बहुत ज़्यादा डिटैच मतलब कि बहुत अटैच रहे हैं, बहुत अपने बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, इस पर्सन का आप प्यार चाहते थे, ठीक है। लेकिन अब इस वक्त आप फाइनेंसिस पे फोकस कर रहे हैं, और आपके पर्सन भी आप लोग के बीच एक पेशेंस, जैसे डिवाइन यहाँ पर आपको एक वेट करवा रहा है, ठीक है। पेशेंस की एनर्जी है, आप लोग के बीच एक पेशेंस की नीड है, यहाँ पर एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने में अभी टाइम है, जैसे डिवाइन का मैसेज है आपको सब्र करना पड़ेगा, ये पर्सन आपको जैसे आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को समझ रहा है। ओके, आपके पर्सन अभी अपनी लाइफ में फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, और आप भी फाइनेंशियल चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल ग्राउंडेड कर रहे हैं, ये पर्सन आपको राइट पार्टनर, राइट पर्सन की तरह देख रहा है। द टेम्पल पाथ, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हीलिंग चल रही है, हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पे बहुत आइस एक ब्रेक होने वाली, मतलब एंजाइटी आपने रिवर्स हो चुकी है, मतलब कि आप एंजाइटी से बाहर निकले किसी, ठीक है, नेगेटिव एंजाइटी से आप बाहर निकले, मतलब एंजाइटी, डिसीट, आपने बहुत ज़्यादा ऐसा फील किया कि धोखा, डिसीट, नेगेटिविटी, आपकी लाइफ में एक डार्क फेस खत्म हो चुका है, ठीक है। एक स्ट्रॉम का टाइम, एक डोर टू, जैसे डोर टू रोमांस, आपकी लाइफ में एक डोर टू रोमांस यहाँ पे, जैसे इस चीज को एक डोर ओपन हो रहे हैं आपके लिए, जो डोर क्लोज थे ना, आपको लगता था ये प्यार आपको कभी मिल नहीं सकता, वो डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके बिना। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन ने शायद कभी आपको अपने दिल की बात नहीं करी, इस पर्सन ने कभी बताया ही नहीं कि आप इसको कैसे लगते हैं, ये पर्सन आपको क्या चाहता है, कैसे देखता है, क्या सोचता है आपको लेकर, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, एट ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेजेस में स्टक है अपने, ठीक है, किसी ब्लॉकेजेस में स्टक है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा है, जैसे अपने आपकी तरफ अप्रोच लेने से खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, इस पर्सन को ऐसा लगता है ये आपकी तरफ कैसा ले, कैसे अप्रोच ले, जैसे विजडम यहाँ पे आपके पर्सन यहाँ पर आपके पार्टनर को जैसे एक विजडम की नीड है, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, एक मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। आप से बहुत कुछ सीखने को मिला आपके पार्टनर को, इस फ्रेंडशिप से, इस बॉन्ड से आपके पर्सन ने बहुत कुछ लर्निंग करी है, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये पर्सन शायद आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए खुद को हमेशा से ब्लॉक ही फील करता है, क्योंकि आपने हमेशा से अप्रोच, हमेशा से आपका एक राय कि आप खुद ही कनेक्ट करते हैं, खुद ही अप्रोच करते हैं, खुद ही, मतलब कि आप जानते ही पर्सन अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसको कोई पेन या इसको कोई तकलीफ फील ना हो, लेकिन ये इस टाइम इसको अपने इस मतलब के
इस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा, इस चीज़ को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी अपनी अटैचमेंट जो थी, जो आप अटैच थे, आप उससे डिटैच हुए, आपने भी अपनी जैसे अपनी आदत को, अपनी सोच को बदला है, जो चीज़ आपको मिल नहीं रही वो आपको छोड़ दी। अब इस पर्सन को अगर आपसे कुछ चाहिए तो वो मांगना पड़ेगा, ठीक है। वेटिंग एनर्जी, ये पर्सन आपका वेट कर रहा है, मिस कर रहा है, वेट कर रहा है। इस पर्सन को पता, आप खुद हमेशा अप्रोच कर लेते हैं, आप हमेशा खुद आ जाते हैं, आप हमेशा खुद सिचुएशन को संभाल लेते हैं, आप हमेशा जिम्मेदारी इस रिश्ते की खुद के ऊपर ले लेते हैं। खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा विजडम गेन हुआ है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, वेटिंग एनर्जी है, बहुत वेट भी कर रहा है, कॉन्टम्पलेट भी कर रहा है, सोच भी रहा है 24/7, जैसे आपको लेकर सोच रहा है, आपके लिए जैसे अब केयर फील हो रही है, आपके लिए जैसे एक स्टेबिलिटी फील हो रही है। आपको अगर इमेच्योर समझता था, बहुत मेच्योर मेच्योर पर्सन की तरह देख रहा है, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देख रहा है, ठीक है। फोर ऑफ कप्स, फोर फोर की एनर्जी, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं थी, शायद इस पर्सन ने आपको स्टार्टिंग से ही मना कर दिया था, ये मैरिज नहीं कर सकता या आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं थी इस रिश्ते में, ये रिश्ता बहुत एक वेटिंग एनर्जी पे रहा, स्टेबिलिटी नहीं थी। या आप लोग का फ्रेंडशिप बॉन्ड बना है, काफ़ी पुरानी, आपकी काफ़ी पुरानी फ्रेंडशिप हो सकती है, आपका क्रश हो सकता है जिससे आप मैरिज करना चाह रहे थे, लेकिन इस पर्सन को पता भी था, लेकिन इस पर्सन ने इस सिचुएशन को एंड कर दिया, ठीक है। आपके उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करा, एक एंडिंग, ये पर्सन पास्ट को जैसे रिमाइंड कर रहा है, सोच रहा है पास्ट को। ये जानता था आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं, इसने आपको छोड़ दिया, इसने आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा, आप लोग के बीच एंडिंग हो चुकी है, आप लोग के बीच एक एंडिंग आ चुकी है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये आपको, इसको लगता था आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, आपका वेट करना, आपका इंतज़ार करना, या बार बार आपका कुछ ऑफर करना, कोई इस चीज़ का फ़ायदा नहीं निकला इस रिश्ते में, रिश्ता एट दी एंड यहाँ पर एंड हो गया, ख़त्म हो गया। ये जानता था आप बेहद इमोशनल पर्सन है, आप बहुत इमोशंस रखते हैं इस कनेक्शन के लिए, डेविल, आप इमोशनली कोडिपेंडेंट थे, ठीक है, आप इमोशनली डिपेंड कर रहे थे इसके ऊपर, इस पर्सन के ऊपर, आपके आपके इमोशनल, इस पर्सन जैसे इमोशनली आप लोग की अटैचमेंट रही है, इस पर्सन की तरफ से नहीं बनी हो, लेकिन आप इमोशनली काफ़ी इस पर्सन के लिए सेंसिटिव रहें, एक सेंसिटिव एनर्जी रही है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहें, ये पर्सन है तो आप खुश रहते थे, एटलीस्ट आपको रिश्ता ना दे, मैरिज ना दे, कमिटमेंट, एटलीस्ट बात तो कर रहे हैं ना, उसी में खुश थे, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी रही है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन में रहे जब तक आप इस पर्सन के साथ रहे, पर्सन चीज़ें सोच रहा है, एक विजडम गेन हो रहा है, इसको समझ आ रहा है, अब आपको अगर इसका आपके एक अप्रिशिएट भी कर रहा है, इसका परसेप्शन बदल भी रहा है, एक न्यू जर्नी जो स्टार्ट हो रही है, आपके पर्सन पास्ट रिमाइंड कर रहे हैं कि इस पर्सन ने कैसे आपको कन्फ्यूज रखा है, आप इस पर्सन के लिए लव केयर हमेशा लेकर खड़े थे, इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शन बहुत थे, ये कन्फ्यूज था अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ ये पेजेस की एनर्जी में रहता था, बहुत ज़्यादा फाइट हुई है आप लोगों की, आर्ग्यूमेंट हुई है बहुत इस वेटिंग गेम में, आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत आर्ग्यूमेंट फाइट भी रही है, बहुत ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है खाली सारा ब्लेम अपने ऊपर नहीं रहता इस एंडिंग का, यहाँ पर कुछ और भी लोग थे जो इस पर्सन को चाहते थे ये पर्सन आपकी लाइफ में ना आए, आप लोग का कनेक्शन स्ट्रांग ना हो, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ किसी तरीके का मूवमेंट या एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, एक खामोशी को ब्रेक करने के बारे में सोच रहा है, आप काफ़ी साइलेंट हो चुके हैं, कुछ एंडिंग आई है उसके बाद से आप कुछ एक्ट नहीं कर रहे बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा हो सकता है यहाँ पे ये पर्सन आपको किसी तरीके की अपॉलोजी दे, कोई एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, ये पर्सन कोई एक्शन लेना चाह रहा है, मतलब कि किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहा है, पास्ट को रिमाइंड इसलिए कर रहा है, यहाँ पर ये सब कुछ क्यों हो रहा था, इसने क्यों आपके साथ ऐसा किया, इसने क्यों आपके ऑफर को कभी कंसिडर नहीं करा, क्यों इसने आपको इतना, मतलब कि आप एक इतना वेटिंग एनर्जी पे थे, आप इसके, आपका और इसका एक बॉन्ड बहुत यूनिक रहा है, ठीक है, इसके, इसका और आपका बॉन्ड शायद इस पर्सन की लाइफ में कोई था, या इसका कोई पास्ट ट्रॉमा था, इसने पास्ट में, इसको पास्ट में इसने किसी के साथ वल्नरेबल शो करा, या पास्ट में इसको, इसने किसी के साथ लव करा, इसको वो नहीं मिला, बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड हो गया, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड रखता होगा आपको, बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल फैसले लेने वाला, प्रैक्टिकल माइंडसेट से चलने वाला, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगा है कि आप इस पर्सन के फ्यूचर के लिए राइट पर्सन नहीं है, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस नहीं होता, ये इमोशनल बेसिस पे नहीं, ये इमोशनल साइड को नहीं समझता, इस पर्सन को ऐसा लगता है मोहब्बत 4 दिन की होती है, ज़िंदगी बहुत लॉन्ग टर्म होती है, बहुत ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी जर्नी होती है जो तय करनी पड़ती है, तो ऐसा हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल माइंड सेट रहा है, बहुत फाइनेंसिस कैरियर ओरिएंटेड रहा है, अपने कैरियर पर काम कर रहा था, फाइनेंसिस पर काम कर रहा था, तो पास्ट को सोच रहा है, तो जो लोगों ने इसको एडवाइजेस दी वो पसंद भी हुआ है, क्योंकि खुद भी ये पर्सन डायलेमा में था, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में चॉइसेस बहुत ज़्यादा थी, जब आप इसकी लाइफ में आए, इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम, ठीक है, ऑप्शंस बहुत थे, फैमिली थी, काम था, कैरियर था, और भी फीमेल्स और मेल्स हो सकते हैं जो इसकी लाइफ में क्रिएट थे, इसने मतलब कि जो चीज़ इसको चमकती हुई दिखी, इसने उस टाइम, सॉरी,
आपके पर्सन को जो चीज़ चमकती हुई दिखी आपके पर्सन ने उन चीज़ों को चूज़ किया है, आपके पार्टनर ने उन उन ऑप्शंस को चूज़ करा जिस पर्सन को ऐसा लगा कि हाँ ये राइट है, फ्यूचर के लिए चलेंगे, लॉन्ग टर्म है ये, मतलब कि जैसा मुझे चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल फैसला, मतलब प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस चल रहा था। या तो इतने ऑप्शन देखने के बाद इस पर्सन को ऐसे मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, इस पर्सन को ऐसा लगा मेरी लाइफ में तो पैसा भी है, अर्निंग भी है, जॉब भी है, अच्छी लाइफ है, कुछ भी मिल जाएगा, कोई भी मिल जाएगा, अभी ये टाइम नहीं है डिसीजन मेकिंग का, आप काफ़ी इमोशनल रहे, इसको एक एक जैसे आपके इमोशनल पता आपका जो इमोशनल होना इस पर्सन को काफ़ी डरा रहा था, स्कैरी सिचुएशन थी, इस पर्सन को ऐसा लगता काफ़ी डर है, मतलब कि इसको लगता आप काफ़ी इमोशनल हैं और ये पर्सन इतना इमोशनल नहीं है, ये आपको साथ नहीं चल सकता, कुछ ना कुछ इस पर्सन को डिफरेंसेस नज़र आ रहे थे। यहाँ पे कोल्ड एनर्जी आ चुकी है, किंग ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड, आप दोनों एक दूसरे की तरफ कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, आप लोगों के बीच वैसा रिलेशनशिप रहा ही नहीं है, ठीक है, एक कोल्ड एनर्जी, मिररिंग एनर्जी, आप इस पर्सन की तरफ आप कोल्ड हो चुके हैं, अब आप एक्सप्रेस नहीं करते, अब आप इसको कुछ ऑफर नहीं करते, अब आप खामोश हो चुके हैं, अब आप यहाँ पर जैसे हीलिंग की एनर्जी, आपने जैसे डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं आपको जो चाहिए या आप हीलिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन अब आप इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, आपने बहुत स्ट्रेस लेके देख लिया, आप स्लीपलेस नाइट में रहे, आप जानते थे ये पर्सन बहुत शॉर्ट टेम्पर है या नेगेटिव, या तो इस पर्सन का मतलब प्रैक्टिकल पर्सन है, आप इस पर्सन के एक इनर बीस्ट को आप इमोशनल साइड से जैसे आप टेंट करना चाहते थे, आप चाहते थे इसके जो इनर बीस्ट है ना वो आपकी इमोशनल साइड से हील हो जाएगा, जिसको वूंड है ना, आपको लगता था यहाँ पे कोई वूंडेड एनर्जी है, इस पर्सन के अंदर कोई तकलीफ है, कोई पेन है, कोई दर्द है, आप इसकी लाइफ को बैलेंस करना चाहते थे, आपका इंटेंशन रॉन्ग नहीं था, लेकिन इस पर्सन का पास्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है या पास्ट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, या इसका कोई पास्ट ट्रॉमा है, इसने इमोशनल साइड से फैसले करना, डिसाइड करना ज़िंदगी में छोड़ ही दिया, इमोशनल ना लोगों के लिए कोई फैसले करता है, या मतलब क्या इसको ऐसा लगा था, एक तो आप एक इमोशनल पर्सन और इसका ऊपर से इसका कोई जैसे कि आप जिस तरीके से डिपेंड हुए हुए हैं, आप जिस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, शायद इसने ये उतना कनेक्टेड नहीं था जितना आप कनेक्ट हो चुके थे, आपको ऐसा लग रहा था आप को ऐसा पर्सन मिल गया जैसा आप चाह रहे थे, कंप्लीटली वैसा पार्टनर है, आपने ऐसा ही मांगा था डिवाइन से, ऐसा ही आपने पार्टनर मैनिफेस्ट किया था, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ गया, आपको वैसा पार्टनर मिला, ठीक है, इस पर्सन के रूप में आपको ऐसा इंसान मिला, आप जैसे डिपेंडेंट हो गए, को डिपेंडेंट हो गए, आपको इमोशनली सपोर्ट चाहिए थी, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया उस वक्त आपको इमोशनली सपोर्ट की नीड थी, आप लोग के बॉन्ड अच्छा बना, फ्रेंडशिप बनी, आप एक लव में, एक लव में आप एक क्रश हुआ, लव हुआ, और फिर आप मतलब कि आपने फिर इसको चेजिंग स्टार्ट कर दी, आपको ऐसा लगा आप इसको मना लेंगे, ये भी सिंगल है, आप भी सिंगल हैं, आप इसको मना लेंगे, लेकिन ये पर्सन भी लाइफ में बहुत कुछ फेस करके आया हुआ था, ये उस स्टेज में नहीं था कि आपको इस तरीके से एक्सेप्ट कर ले, तो ये डिफरेंसेस थे, आप दोनों डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे थे जब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए, ये पर्सन सब चीज़ों को सोच रहे, लेकिन फिलहाल इस वक्त आप एक दूसरे के लिए, ये पर्सन अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक ऐसा, आपको एक सोलमेट काइंड लव चाहिए, अब आपको ये मिले या कोई मिले, एक बैलेंस लव चाहिए, आपको एक इक्वल लव चाहिए जो कि आपको कभी नहीं मिला, अब बैलेंस पार्टनर चाहिए जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, जो आपको वैसा ही प्यार करे जैसा आप चाहते हैं, इस पर्सन को ये बात समझ में आ चुकी है कि आप एक एक अच्छे पर्सन थे, आप एक अच्छे लवर थे, आपको वो चाहिए था जो आपको कभी मिला नहीं, ठीक है, ये पर्सन आपको एक परफेक्ट पर्सन की तरह देख रहा है, बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, बैलेंस है, स्टेबल है, पेशेंस है, आपके अंदर सबर आ चुका है, अपनी ज़िंदगी में आप किसी न्यू जर्नी पे हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन कंफ्यूज है अभी भी, जैसे डुअल माइंडेड है, इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, अपने एक्ट को सोचकर, अपने बिहेवियर को सोचकर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है एक जजमेंट कॉल हो चुका है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक जजमेंट कॉल, एक अवेकनिंग हो चुकी है, इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि आपकी रियल जो आपका जो सेल्फ है वो ऐसा नहीं है, बहुत आप बैलेंस, स्टेबल, समझदार ऐसे पर्सन है, लेकिन इस पर्सन ने, ये पर्सन जानता है कि इसने अपने बिहेवियर से आपको कंफ्यूज कर दिया, इसने इतना एक खौफनाक अपना बिहेवियर या अपना एक इतना खौफनाक, इसने आपको इतना एक्ट दिखाया है, आप इसके लिए कंफ्यूज हैं, आप इसके लिए कोई डिसीजन मेकिंग पे नहीं है, आप जैसे स्टैगनेंट हुए हैं अपनी लाइफ में, आप स्टक हो चुके हैं, आपको कुछ नजर नहीं आता, ना आप इसके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं, ना अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ पा रहे हैं, मतलब कि आप अपनी लाइफ में जो है ना एक परफेक्ट पर्सन, एक परफेक्ट पार्टनर की तरह है, काफी बर्डन देखा है आपने, बहुत बर्डन उठाया, आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप अपनी लाइफ में ऐसा रिश्ता नहीं चाहते जो आपकी लाइफ को एक बर्डन सम बना दे, आप टीम वर्क वाला रिश्ता चाहते हैं जिसमें टीम वर्क में काम हो, आप काफी इमोशनल पर्सन है,
आपके एक बहुत ब्यूटीफुल वाइब्रेशन है, ठीक है, मैरिज मटेरियल है ये पर्सन, जानता है कि आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन है, बहुत इमोशनल, बहुत काइंड, मदरली केयरली नर्चर करने वाला, केयरिंग पर्सन, जो बहुत समझने वाला, जो एक अंडरस्टैंडिंग करने वाला पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन ने ईगो में भी आके बहुत ज़्यादा लेट डाउन करा, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करा, ये पर्सन ने आपको इशू कराया कि जैसे आप इसके कैलिबर के नहीं हैं, आप इसके बराबरी के नहीं हैं, आप ये पर्सन आपसे बेहतर कोई डिजर्व करता है, क्योंकि आपने चेस करना बिना मांगे इसको हर चीज़ प्रोवाइड करना आपने उस टाइम पर इसको स्टार्ट कर दी, इसको कुछ भी आपसे मांगना नहीं पड़ा क्योंकि आपको नीड थी, आपको ऐसा लगा राइट पर्सन मिल गया है। मतलब कि आपके माइंड में कोई ऐसी एक ईगोइस्टिक वो चेस करेगा, वो प्रपोज करेगा, ऐसा नहीं था। आपके जो दिल में था वो आपने इसके सामने रखा, इसको एक्सेप्ट नहीं हुआ, आप उस चीज को लेकर पेन में आ गए, तकलीफ में आ गए, क्योंकि आपको कभी वो मिला नहीं। आपने सोचा चले मना लेंगे, आप मेहनत कर लेंगे, क्योंकि राइट ऐसा पर्सन मिल गया है जो आपके, जो आपको लगता है कि आपके साथ अच्छा रहेगा, लेकिन जो चीज सोच कर गए थे वो चीज थी नहीं वो, ठीक है। आप जिस चीज के पीछे भाग रहे थे, अब आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है, आप इसलिए कोल्ड हो चुके हैं, आपका आपका वो प्यार, वो जुनून, वो सब एंड हो चुका है। आप खुद को हील कर रहे हैं इस वक्त, अपनी लाइफ में लवर चाहते हैं, बैलेंस पर्सन चाहते हैं, बैलेंस पार्टनर चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक करने वाला सपोर्टिव पार्टनर चाहते हैं, आपका माइंडसेट ऐसा है, आप मैरिज करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, कोलेबरेट करना चाहते हैं, आप मैरिज की स्टेज में, ये पर्सन आपको लेकर ये सब कुछ सोच रहा है, ठीक है। हीलिंग चल रही है यहाँ पर, बहुत स्ट्रांगली एक हीलिंग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पे फोकस है आपका, स्टेबिलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैरिज इंपॉर्टेंट है और बैलेंस इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, ठीक है। रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया है कि प्यार मांगने से नहीं मिलता, ठीक है, प्यार होना होता है, हो जाता है, और जब जो चीज़ हो चुकी है, जैसे कि जितना कुछ हो चुका है, जैसे आप आपके दिल में अपने आप को हील करना चाहते हैं और अपने लिए एक बेहतर इंसान चाहते हैं, आप इस इंसान की ख्वाहिश करते हैं, मुझे नज़र नहीं आ रही, बल्कि इस इंसान का आपको लेकर परसेप्शन बहुत बदला है। ये जो पास्ट में आपके सेल्फ को लेकर, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपके करेक्टर को लेकर सोचा था, उससे अब इसका बहुत ज़्यादा माइंड सेट चेंज हो चुका है। आपको देखने का तरीका, आपको समझने का तरीका, इसका ये आपको अप्रिशिएट कर रहा है इस एनर्जी में, ठीक है। बहुत पेशेंस आ चुका है, आप एक इनर जर्नी में, आप अपनी ही जर्नी में हैं, ठीक है। पर्सन दूर बैठा आपको देख रहा है, बहुत मटेरियलिस्टिक हो सकता है, बहुत प्रैक्टिकल हो सकता है, इसने जैसे सेल्फिश काइंड एनर्जी मुझे लग रही है, जिससे आपने प्यार करा उसने आपसे प्यार नहीं करा, ठीक है। उस आपको लगा कि उसमें आपको एक अच्छा पार्टनर मिल चुका है, लेकिन उसको उसने ऐसा नहीं सोचा, आपने उसकी जो भी मदद करी या जो भी करा, उसको उसको नहीं था आपसे सब कुछ, आप जो भी सपोर्ट कर रहे थे, जो भी आप उसके लिए कर रहे थे, तो वो किसी भी उसमें काउंट नहीं कर रहा था, उसका ऐसा लगता था आप एक बेवकूफ़ इंसान है, आप एक इमोशनल फूल है, जो आप इसलिए इतना कुछ करते हैं, ठीक है। सॉरी टू से, लेकिन जो रीडिंग है वही यही है, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है, ठीक है, आपको एडवाइस देनी चाहिए, ठीक है, मेरे व्यूअर को यहाँ पर इस सिचुएशन में अब क्या करना चाहिए। खैर, आप अपने आप कोल्ड हैं, आप अपने लिए आप जैसे वेट कर रहे हैं राइट पर्सन का, राइट टाइम का, अपने आप को हील करने का, अपनी लाइफ में बैलेंस पार्टनर का, आप किसी को चेज नहीं करना चाहते, बहुत स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं, जो फोकस आपका कहीं और था अपने सेल्फ पे अब, ठीक है। हाँ, शिमर विद डायमंड लाइट, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, ठीक है। यहाँ पर आपके अंदर एक डायमंड लाइट है, एक्सप्रेस करें अपनी क्रिएटिविटी, किसी क्रिएटिविटी सेल्फ पे वर्क करें, ठीक है। यहाँ पर सी द एनलाइटमेंट आइज ओपन टू अबंडेंस, ठीक है, आपकी लाइफ में ओपन अबंडेंस के डोर ओपन हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप देखें अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज हो रहा है, आप जैसे ग्रेटिट्यूड भी शो करें और उन चीज़ों को समझें अपनी अबंडेंस, ठीक है। रिलैक्स एंड ओपन, ओपन अप टू सोर्सेस, कीप योर हार्ट ओपन, ठीक है, अपने दिल रिलैक्स रहें, अपने हार्ट को ओपन करें और सोर्सेस आपके लिए वर्क कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रिलैक्स रहें, आपकी लाइफ में जो होगा बहुत बेहतर होगा, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करते रहें। रिमेंबर हु यू आर, टेक एक्शन व्हेन यू आर रेडी, ठीक है। आप याद करें कि आप कौन हैं, आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, आप बहुत एक एनलाइटमेंट सोल हैं, आपके अंदर एक लाइट है, ऑलरेडी लाइट है, उसको आपको पहचानना था, शायद आपको इस सिचुएशन में यूं डाला गया क्योंकि आप अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ नहीं समझ रहे थे, आप अपने आप को ज़ाया कर रहे थे, अपनी अपनी लाइफ को एक मतलब कि आप बहुत कीमती लाइफ है आपकी, बहुत आपका जो मिशन है, जो आपके पर्पस हैं, बहुत स्ट्रांग पर्पस हैं, आप उन सब चीज़ों को छोड़कर उन सब चीज़ों को देख रहे थे जो आपके लिए बनी ही नहीं थी, तो कुछ चीज़ें आपको ये पर्सन ट्रिगर करने के लिए आया था, आपने सेल्फ को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में हर किसी को सब कुछ दे रहे थे, आपके सेल्फ को इस वक्त आपके सेल्फ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो जो सपोर्ट आप सबको दे रहे थे वो आपको सिर्फ अपने आप को देनी है, अपने आप को ग्रो करना है, अपने सेल्फ को ग्रो करना है, अपने अपने आप के लिए राइट पाथ चूज करना है, ठीक है। एक राइट एक
सही रास्ता, हनी और साइकिक एबिलिटीज, आपके पास साइकिक एबिलिटीज हैं, सी थ्रू योर इल्यूजन, जो आपके इल्यूजन्स हैं जो आपको लगता है खत्म हो गया, वो आपको वो भी नहीं मिली, वो बैलेंस भी नहीं मिला, अपने इल्यूजन के पार जाके देखें। गिव एंड रिसीव लव, ऑबे द स्पिरिचुअल लॉ, प्यार दो और प्यार लो और ऑबे करो स्पिरिचुअल लॉ का, ठीक है। योर चैलेंजेस आर लेसन, मैंने कहा ना आपके चैलेंजेस आपके लिए लेसन थे, यू आर लव्ड एंड वेलकम ऑन द अर्थ, ठीक है। मतलब कि आपको डिवाइन ने एक अर्थ पे भेजा है प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, पीस के लिए और हीलिंग के लिए, लोगों की सपोर्ट करने के लिए, लोगों के लिए किसी हेल्पिंग वर्क में काम करने के लिए। आपके पास साइकिक एबिलिटीज हैं, उनको यूज करें, ठीक है। आप सैड मत हो, स्ट्रेस में मत जाएं, अपने आप को गलत या बुरा मत समझें, रिलैक्स रहें, ओपन रहें, सोर्सेस आपके लिए वर्क कर रही हैं, ठीक है। और रिमेंबर हु यू आर, रिमेंबर, कुछ याद दिलाने के लिए आपको ये सब कुछ हुआ है, अपने अंदर की लाइट को, अपने अंदर के इंसान को पहचाने, ठीक है। इस रीडिंग को ये परखो, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।